हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जितने फॉर्मूलाज हमने ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किए हुए हैं, इसमें उतने फॉर्मूलाज नहीं होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ तीन फॉर्मूलाज होंगे, एक लॉग का होगा, एक एक्सपोनेंशियल का होगा ई रेज टू पावर एक्स का, और एक ए रेज टू पावर एक्स का होगा। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स। नाउ अगर हम x की जगह कोई भी फंक्शन ले लें एफ एक्स, देन इट्स डेरिवेटिव विल बी वन अपॉन एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ डैट फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम एक्सपोनेंशियल में भी x की जगह पर कोई भी और फंक्शन ले लें तो इसका डेरिवेटिव आएगा e रेज टू पावर एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ डैट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट a रेज टू पावर x, a रेज टू पावर x आ जाए, a मीन्स कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल नंबर आ जाए, जैसे 5 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर आ जाए, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। ओके, देन अगर हमारे पास x की जगह पर कोई भी और फंक्शन आ जाए तो उसको भी हम कैसे करेंगे, a रेज टू पावर फंक्शन इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डैट फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स प्लस 2। पहले इसको हम एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, नाउ इट्स फॉर्म इज दिस वन, a रेज टू पावर एफ एक्स, दिस विल बी 5x प्लस 2 इंटू लॉग a, a क्या है हमारे पास 5, इंटू डेरीवेटिव ऑफ x प्लस 2। ओके स्टूडेंट, एंड दिस विल बी 5 रेज टू पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 5 इंटू डेरीवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरीवेटिव ऑफ 2 इज 0 एंड वी विल रिमेन विद 5 रेज टू पावर x प्लस 2 लॉग 5, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, 10 रेज टू पावर 2 tan इनवर्स x, इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 tan इनवर्स x। ओके, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर, कौन सी फंक्शन आ गया, 10 a रेज टू पावर एफ एक्स वाली फॉर्म है ये। ओके, दिस विल बी 10 2 रेज टू पावर 2 tan इनवर्स x इंटू लॉग 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x। क्लियर, नाउ दिस विल बी 10 रेज टू पावर 2 tan इनवर्स x, इसको एज इट इज लिख देंगे, इंटू लॉग दिस वन इंटू डेरीवेटिव ऑफ डैट फंक्शन। ओके, इंटू लॉग 10 इंटू डेरीवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स 2 विल बी एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इसको ठीक करके लिख लेंगे अब हम, 2 आगे आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू पावर 2 tan इनवर्स x इंटू लॉग 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, ये कौन सी वाली फॉर्म है, अब लॉग एफ एक्स प्लस ई रेज टू पावर एफ एक्स, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसकी फॉर्म क्या होगी, लॉग एफ एक्स, जब एफ एक्स का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, चलो इसे यही निकाल देते हैं हम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका क्या होगा, e रेज टू पावर एफ एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स डेट इज एक्स क्यूब, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस e रेज टू पावर
x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. ओके एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर इंटू e रेज टू पावर x क्यूब. दिस इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे log x प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log y इज इक्वल टू log x प्लस e रेज टू पावर रूट एक्स. ओके नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म बन गई, log fx एंड दिस विल बी 1 अपॉन x प्लस e रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x. ओके देन दिस विल बी 1 अपॉन x प्लस e रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस अगेन दिस इज फॉर्म e रेज टू पावर fx एंड इट्स डेरिवेटिव इज e रेज टू पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx दैट इज रूट एक्स. ओके एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस e रेज टू पावर x इंटू 1 अपॉन, नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इट्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. ये आंसर आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट दिस, लेट y इज इक्वल टू log cosecant x माइनस cot x. देन इसको हम चेंज करेंगे पहले cosecant माइनस cot को, cosecant इज 1 अपॉन sin x माइनस एंड cot इज cos अपॉन sin. ओके नाउ दिस विल बी log sin x, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 माइनस cos x. ओके तो 1 माइनस cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin square x by 2 एंड दिस विल बी log 2 sin square x by 2 डिवाइडेड बाय 2 sin x by 2 into cos x by 2 एंड दिस इज इक्वल टू log, नाउ 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी tan x by 2. ये फॉर्म बन गई हमारी log fx वाली फॉर्म बन गई. ओके तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2. ओके एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x by 2, सेम आ जाएगा ये. ओके 1 अपॉन tan x by 2 इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan fx, डेरिवेटिव ऑफ tan fx क्या होगा, tan fx होगा secant स्क्वायर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx. ओके secant स्क्वायर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx एंड दिस विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला secant स्क्वायर x by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x by 2. ओके एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको हम फिर साइन cos में चेंज कर लेंगे, ये बन जाएगा हमारा cos अपॉन साइन और इसको चेंज कर देंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 by 2, इसमें से एक खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. ओके ये किसका फॉर्मूला होगा, हाफ द एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स एंड दिस विल बी कोसेकेंट एक्स. ओके स्टूडेंट नेक्स्ट इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स. इसकी फॉर्म कौन सी है, पहले फॉर्म है इसकी एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मीन्स कोशेंट रूल लगेगा इसमें. ओके नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, डीनो की होल स्क्वायर दैट इज लॉग
एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स की होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स. ओके एंड दिस विल बी लॉग एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स इंटू नाउ डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स का डेरीवेटिव ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स की होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस माइनस माइनस ई रेस टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स की होल स्क्वायर. ओके ये हो गया हमारा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में फॉर्म्स हैं थोड़ी सी लॉग की. लॉग के फॉर्मूले पहले भी आपने किए होंगे. लॉग एम एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं हम, अगर हमारे पास लॉग के साथ जो फंक्शन होगा उस अगर वो प्रोडक्ट रूल में हो. अगर ये क्वेश्चन फॉर्म में हो तो इसको लिख सकते हैं हम लॉग एम माइनस लॉग एन. एंड अगर रेस टू पावर की फॉर्म में हो एम रेस टू पावर एन देन दिस विल बी एन इंटू लॉग एम. नेक्स्ट ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम प्लस एन होता है और ए एम रेस टू पावर एन विल बी ए एम एन. ओके एंड देन लास्ट इज ए रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एम माइनस एन होगा ये. ओके एंड लॉग ई रेस टू पावर एक्स आ जाए अगर हमारे पास तो लॉग और ई ये दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स ओनली. ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट जो ये हमने लॉग के ये फॉर्म्स किए हैं ये हमारे यूज होंगे इनमें. ओके जैसे ये एफ एक्स हो गया हमारा एफ एक्स अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये. ओके तो इसको सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हमने ये फॉर्म्स यूज करेंगे. ओके नाउ वाई इज इक्वल टू पहले इस फॉर्म को ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू पावर एक्स एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू रेस टू पावर थ्री अपॉन फोर. ओके देखिए ये हो गया एम और ये हो गया पूरा एन. ओके तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग एम प्लस लॉग एन. ओके स्टूडेंट्स देन दिस विल बी नाउ लॉग ई रेस टू पावर एक्स इज ओनली एक्स प्लस एंड लॉग ये कौन सी फॉर्म बन गई एम रेस टू पावर एन की तो एन आगे आ जाएगा इंटू लॉग एम प्लस टू एंड दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर. इसको और भी हम सिंपल फॉर्म कर सकते हैं जैसे ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एम अपॉन एन तो ये बन जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन. अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बिल्कुल सिंपल बनेगा अभी. ओके ये बन जाएगा इज इक्वल टू जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डेरिवेटिव आएगा इसका डी वाई अपॉन डी एक्स दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स. एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस थ्री अपॉन फोर एज इट इज एक्स माइनस देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्म बन गई है ये है लॉग एफ एक्स. ओके तो लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस टू माइनस नाउ लॉग एक्स प्लस टू आ गया वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस टू. ओके एंड दिस विल बी इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम वन प्लस थ्री अपॉन फोर अंदर क्या जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस टू डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन एंड टू का जीरो हो जाएगा तो वन रह जाएगा ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू नाउ डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज वन एंड टू का डेरीवेटिव जीरो एंड दिस विल बी दिस वन इज इक्वल टू
वन प्लस थ्री अपॉन फोर। अंदर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ओके एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू फोर अपॉन, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यहाँ फोर के साथ फोर कैंसिल हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर देंगे हम, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए फिर मैं कह रही हूँ मेरे वीडियोस में क्वेश्चंस बहुत होती हैं, ये इसलिए लेती हूँ मैं क्योंकि दो तीन क्वेश्चन से कोई भी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट ई रेज टू पावर टेन एक्स। ये फॉर्म्स हमने पिछले में भी की हुई है, ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया है हमने ये इससे पिछले अल्जेब्रिक फॉर्म्स में भी की हुई है ये हमने, तो इस फॉर्म में भी करेंगे हम। ओके नाउ डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। इसमें क्या करेंगे हम, एक को वाई ले लेंगे और दूसरे को यू ले लेंगे। ओके लेट वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टेन एक्स इंटू सॉरी एंड सेकेंड फंक्शन विल बी यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। देखिए इसका डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन, हमने डेरिवेटिव क्या निकालना है, डी वाई अपॉन हमने फाइंड आउट करना है डी वाई अपॉन डी यू, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू अपॉन डी एक्स। ओके नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी, ये फॉर्म बन गई ई रेज टू पार एफ एक्स ई रेज टू पार टेन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड टेन एक्स का डेरीवेटिव क्या आ जाएगा, डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स। ओके एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पार टेन एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सिकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे अब हम, टेन इनवर्स का डेरीवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके देन डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला ई रेज टू पार टेन एक्स इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एंड हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाली है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड ये सॉल्व होकर आ जाएगी हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ओके वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टेन एक्स इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करना है, देखिए ये फॉर्म हमने पहले भी की है, साइन एक्स के लिए भी सॉल्व किया है हमने, टेन इनवर्स एक्स के लिए भी सॉल्व किया है इसको, एक्स प्लस एक्स के लिए भी सॉल्व किया है, अब हम करेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की फॉर्म में। ओके ये बन जाएगा हमारे पास वाई इज इक्वल टू, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा वाई, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स दिस विल बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके एंड दिस इम्प्लाइज, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की जो फॉर्म्स होंगी डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स, यही हमने प्रूव करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। नाउ एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई
इसको हम कैसे चेंज करेंगे, m इंटू एन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं करना है तो इसको हम ऐसे ही इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इसका सिंपल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं अब हम. ओके, अगर इसको m प्लस एन की फॉर्म में नहीं चेंज करना तो वो केस कर रही हूँ मैं. लॉग एक्स वाई, देखिए ये फॉर्म बन गई एफ एक्स, ये बन गया हमारा जी एक्स. ओके, जी एक्स वाई. नाउ एक्स का डेरिवेटिव वन इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज इक्वल टू वाई इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉग, ये क्या दिया हुआ है फंक्शन, तो ये बन जाएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, प्लस सेम लॉग एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई अपॉन डी एक्स, देन वन इज इक्वल टू वाई के साथ वाई कैंसिल हो जाएगा. ओके, नाउ वन अपॉन एक्स आ गया बाहर, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये किए हुए हैं हमने पीछे, प्लस लॉग एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. ओके, देन वन इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस विल बी नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स वाले लेफ्ट साइड में रख लेंगे. अब ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस लॉग एक्स इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अब हम राइट साइड में ले जाएंगे, वन माइनस वाई अपॉन एक्स. ओके, वन प्लस लॉग एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, क्लियर, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स वाई, ये आ गया हमारा आंसर. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक रह गया हमारा, वो हम करेंगे नेक्स्ट लास्ट पार्ट में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.